बीमारी भी बदल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको स्वर्ग जाने का आश्वासन और विश्वास मिल जाएगा। यीशु ने अपने प्यार को वो क्रूस पे जान देकर दिखाया है। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता मेरे भाई बहनों। और यीशु मसीह ने हमको कहा है बाइबल में कि तुम जाकर सभी को बताओ कि यीशु ने क्या किया, वही हम आपको बता रहे हैं। अगर ये यीशु मसीह के बारे में आप जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ये पर्ची में उनके बारे में लिखा है, कोई पैसा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह मुक्ति का मार्ग है, यीशु मसीह को जानिए, ये प्रार्थना को पढ़िए, अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और आपकी जिंदगी बदलेगी। क्या पता कल के दिन आप भी हमारे जैसे सड़क पे आकर गली गली में जाकर यीशु मसीह ने जो आजादी आपको दे दी है उसके बारे में बताओगे। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ये दुनिया में खून से बड़ा कुछ भी नहीं है। शरीर का आखिरी बूंद खून यीशु ने बहा दिया है आपसे प्यार करने के लिए, आपको आजादी देने के लिए। वो यीशु मसीह आपको आज जीवन में बुला रहे हैं। यीशु मसीह को स्वीकार कर लीजिए, आपकी जीवन बदल जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये संदेश 3 से 4 मिनट आप सुनने के लिए, आप यहाँ पर ध्यान देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये पर्ची ले लीजिए और खुद पढ़कर देखिए यीशु मसीह कौन है। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों। सिर्फ अगर मेरी आवाज आ रही है तो 3 से 4 मिनट के लिए अगर आप मेरी आवाज की तरफ ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर कोई कंपनी का प्रचार नहीं करने जा रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट के बारे में बोलने नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और ये जिंदगी को लेकर इंसान के जीवन में हमेशा एक सवाल होता है कि मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन में बीमारी है और मेरी जिंदगी कब बदलेगी। और ये जीवन को बदलने के लिए इंसान जो है कहीं ना कहीं चले जाता है, बहुत सारा पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके जीवन में उसको उसका समाधान नहीं मिलता है। वो सोच में पड़े रहता है रातों के समय में कि मेरी जिंदगी को मैं खत्म कर लूं, आजादी देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप सभी को जो है आश्वासन देने के लिए एक विषय को मैं बताना चाहूंगा। 2000 साल पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संसार को बनाने वाला भगवान, ये संसार को बनाने वाला खुदा, ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। वो मनुष्य बनकर इसीलिए नहीं आया ताकि वो अपनी ताकत को दिखाए, वो मनुष्य बनकर इसीलिए आया ताकि वो जिंदगी दे। हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले आपसे इतना प्यार किया कि वो खुद मनुष्य बनकर आकर क्रूस पे जो है उसने खून बहाकर अपनी जिंदगी दे दी ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसको स्वर्ग राज्य का आश्वासन दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक पाप में पड़ा हुआ इंसान दूसरे पाप में पड़े हुए इंसान को आजादी नहीं दे सकता है। अगर पाप से आजादी चाहिए तो यीशु मसीह जो भगवान है, जो पाप से शक्तिशाली है, वो खुद आपको आजादी दे सकता है। और वो यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, वो आज आपके जिंदगी में आना चाहता है। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारेंगे तो आपकी जिंदगी बदलते हुए आप देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी जिंदगी बदली थी कई साल पहले, हम भी ऐसे ही थे, ऐसे सड़क में कोई और हमको बता रहा था, लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना हमने एक नई जिंदगी पाई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये खुशखबरी जो है हम आपको देने आए हैं, ये कोई ईसाई धर्म नहीं है, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है मेरे भाई बहनों। यीशु मसीह खुदा है जो इंसान से इतना प्यार करता है। हमेशा आपने सुना होगा कि लोग पापियों को दंड देते हैं, लेकिन एकमात्र यीशु है जो पापियों से प्यार करता है और पाप से नफरत करता है। और उस पापी से प्यार करने के लिए वो मनुष्य बनकर आया और पाप से नफरत करने के कारण वो क्रूस पर उसने हाथ को फैलाकर शरीर का आखिरी खून बहाकर उसने अपनी जिंदगी